हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। दोस्तों आज एक मज़ेदार वीडियो लेके आया हूँ आपके लिए, बहुत अच्छे काम की चीज़ है। दोस्तों वीडियो को पूरा देखो आप। दोस्तों 2 HP 3 HP सिंगल फेज की जो मोटर होती है उसमें दो प्रकार से कनेक्शन होते हैं। एक तो आता है पैरेलल जी सीरीज, जिसको आप सीरीज भी कहते हैं, एक आता है डेल्टा। तो जो पावर कैपेसिटी के लिए मोटर होती है उसमें डेल्टा कनेक्शन करते हैं। इससे क्या फ़ायदा होता है कि मोटर क्या अच्छा लोड ले लेती है, जैसे चक्की की आटे की मोटर हो गई और भैंस चारे की हो गई, जानवरों की, इनकी कुट्टी काटने में जो मोटरें काम आती है, 2 से 3 HP की मोटरें आती है, 5 HP की आती है, इनमें डेल्टा कनेक्शन करते हैं। तो दोस्तों पैरेलल कनेक्शन और सीरीज कनेक्शन तो आपको कई मोटरों में देखना होगा, लेकिन आज आपको मैं बताऊँगा डेल्टा कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं। तो देखो दोस्तों मेरे पास ये 2 HP की मोटर है, इसका डेल्टा कनेक्शन करेंगे। दोस्तों इसमें 4 कोयल का सेट है, देखो 1 2 3 और ये 4, 4 कोयल का सेट आ गया। 4 कोयलों में अपने पास बच रहे हैं 8 कनेक्शन, एक में दो दो हो रहे हैं। जैसे देखो एक इसका ये हो गया और एक कनेक्शन ये हो गया। ये डबल वायर में बंधी हुई है वाइंडिंग है दोस्तों, इसकी वाइंडिंग डबल वायर में किया मैंने। ये देखो 2 इस कोयल के हो गए, 2 हो गई इसके पास वाली की हो गई, ये देखो, और 2 ही हो गए, ये 2 हो गए इसके इससे आगे वाली की हो गए। 2 कनेक्शन जो आउटपुट इनपुट वायर निकल रहे हैं, ये देखो 2 हो गए ये इसको। तो दोस्तों डेल्टा कनेक्शन करने में सबसे पहले ये ध्यान रखना पड़ता है कि आमने सामने कोयलों में कनेक्शन होता है इसमें। तो जैसे देख रहे हो आप, ये आगने कनेक्शन के लिए ये पॉइंट यहाँ निकाल रहे हैं, देखें ये छेद है मोटर की, इधर से वायर निकलेंगे अपने कनेक्शनों के। तो इसके लिए ये ले लिया सामने की कोयल, एक आप ले लिया ये, इसमें राइट साइड से जो बड़ी कोयल का वायर आ रहा है इसको ले लिया एक, और जस्ट इसके सामने हो गई कनेक्शन वायर, ये आ गई कोयल। तो इसके भी जो राइट साइड से कोयल आ रहे हैं, ये देखो राइट साइड से वायर आ रहा है कनेक्शन का आउटपुट, इन दोनों को एक जगह कर देंगे दोस्तों। ये देखो ये दोनों एक जगह होके इनमें सीरीज स्लिप लगा के और सोल्डिंग करके इसको कनेक्शनों को बाहर निकालेंगे, तो एक वायर तो इसका ये हो जाएगा दोस्तों मेन सप्लाई का। दूसरा हो गया एक, जस्ट इसके पास में ये वाली कोयल आ गई, इसका भी राइट साइड से जो आ रहा है वायर बड़ी कोयल का ये ले लो, और जस्ट इसके सामने वायर आ रहा है इस वाली कोयल का, देखो दोस्तों इस कोयल का ये राइट साइड से आ रहा है, देखो ये बड़ी वाली कोयल का आ रहा है, देख रहे हैं आप पास में से, ये बड़ी कोयल का इधर से आ रहा है इसका। तो इन दोनों को भी ये एक जगह कर देंगे दोस्तों। ये देखो इन दोनों को इंसुलेशन हटा के सोल्डिंग करके स्लिप लगा के एक कनेक्शन ये बाहर के लिए ये हो जाएगा दोस्तों। तो अपने पास 2 हो गए मेन सप्लाई के, ये दोनों आउटपुट ये बाहर निकाल दिया मैंने। अब अपने पास बच रहा है छोटी कोयल का इनर, जिसको बोलते हैं लेफ्ट साइड से आ रहा है, ये देखो इसका लेफ्ट साइड से बच गया अपने पास, इसका भी लेफ्ट साइड का बच गया, और ये आगे वाली कोयल आ गई इसकी भी लेफ्ट साइड का बच गया, और ये लेफ्ट साइड का बच गया। तो दोस्तों इनको करना क्या है, जैसे ये कोयल है इसका लेफ्ट साइड का इससे जस्ट आगे वाली कोयल को टचिंग कर देंगे, ये देखो इन दोनों को एक जगह करके इनको सोल्डिंग करके और स्लिप लगा के पैक कर देंगे यहीं पे, ये यहीं पैक हो जाएगा, बाहर नहीं निकलेगा दोस्तों, यहीं पे कनेक्शन इन दोनों का ये कनेक्शन बन गया। तो इसमें क्या होगा, इसका जैसे इसमें से ये वायर दिया है इसका इसमें आ जाएगा, ये एक सेट बन गया इन दोनों कोयलों का। और जस्ट इसके बाद में आ रहा है अपने पास, जैसे इसका भी जैसे ये लेफ्ट साइड से बच रहा है इनर, जो अंदर से छोटी कोयल का आ रहा है, इसको यहाँ से आ गया। अब इस कोयल का और इस कोयल का इससे आगे वाले का दोनों का ये इनर इनर जो छोटी कोयलों का आ रहा है, जैसे इन दोनों को एक कर दिया दोस्तों यहाँ पे, ये देखो दोस्तों यहाँ कर दिया मैंने। तो इनको भी इंसुलेशन हटा के इनका वायरों का सोल्डिंग करके और इन दोनों में स्लिप लगा के यहीं कनेक्शन अंदर दब जाएगा इनका, ये रह जाएगा अपने पास। बाहर निकलेंगे ओनली इसके ये 2 जो पहले बताया था मैंने, ये 2 मेन सप्लाई कनेक्शन हो गए। तो दोस्तों इनमें सेट ऑटोमेटिक ही बन गया, देखो इस कोयल का ये लिया था इसका और इसका दोनों का सेट बन गया,
और ये इसमें से ये वायर निकल गया इधर, ठीक है दोस्तों। और इसका सेट बना दिया तो इसका कनेक्शन ये यहाँ से आ गया, इन आमने सामने का सेट हो जाता है। तो दोस्तों इससे फ़ायदा ये रहता है डेल्टा में कि मोटर को पावर अच्छा मिल जाएगा, मोटर उठेगी अच्छी, मोटर दबेगी नहीं कभी भी, जलेगी नहीं है, ये है दोस्तों। अब इसके बाद में अपने पास बचेंगे स्टार्टिंग का, तो स्टार्टिंग के दोस्तों सीरीज में कनेक्शन होगा ये, तो बताता हूँ आपको। देखो दोस्तों स्टार्टिंग में अपने चार सेट है कोयलों के, देखो एक दो तीन और चार आ गए, ये चार सेट आ गए। इनमें भी एक एक कोयल में दो दो वायर अपने बचे हुए हैं शेष, तो ये कनेक्शनों में काम आएंगे। तो दोस्तों ये कनेक्शन अपने यहाँ से निकलेंगे ये वायर के, देखो। तो इसके लिए यहाँ से देखो, एक सबसे पहले ये वाला वायर ले लेते हैं राइट साइड का बड़ी कोयल का, इसको ये कनेक्शनों के लिए यहाँ छोड़ देंगे। इसके आगे वाले का भी ये इधर का, ये देखो ये राइट साइड से आ रहा है, इसको ये निकाल देंगे। अब करना क्या दोस्तों, ये छोड़ दिया, इससे बाद में इसका आगे ये छोटी कोयल का आ रहा है लेफ्ट साइड से, तो इसके जस्ट वाली जो आगे की कोयल है इसको भी छोटी कोयल को लेफ्ट साइड से आ रहे हैं, इनको एक जगह यो टच करके सोल्डिंग कर देंगे। जैसे दोस्तों ये कर दिया मैंने, यह स्लिप लगा देंगे, ये पैक हो जाएगा। इसके बाद में इस वाली कोयल का, आगे वाली कोयल का मेरे पास बच रहा है राइट साइड से बड़ी कोयल का एक वायर बच रहा है, इसका ये बच गया। तो इससे जस्ट आगे वाली कोयल है उसका भी राइट साइड से जो आ रही है बड़ी कोयल का, उन दोनों को एक जगह कर दिया। जैसे दोस्तों ये कर दिया, ये कर दिया, तो इनको भी दोस्तों इंसुलेशन हटा के सोल्डिंग करके स्लिप का पैक कर देंगे। अब इसके बाद में आगे वाली कोयल है, अब इसमें अपने पास बच गया इसका, देखो ये लेफ्ट साइड से आ रहा है छोटी कोयल का, ये बच रहा है दोस्तों। और इससे आगे वाली कोयल है अपने पास एक, ये देखो ये आ गया, तो इसका ये छोटे वाले का ये देखो, यहाँ से दोनों को ये एक जगह कर दिया, ये सोल्डिंग कर देंगे इसको भी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, जब भी आपको समझ में आएगा, अगर आप स्किप करके देखोगे तो वीडियो निकल जाएगा, क्योंकि पहले काफ़ी शॉर्ट वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बना रहा हूँ। और दोस्तों चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों। अब इसके बाद दोस्तों इससे नेक्स्ट वाली कोयल का अपने पास बच रहा है राइट साइड का, ये देखो ये बड़ी कोयल का राइट साइड का बच गया, और एक बच इसके आगे वाले का राइट साइड का जो पहले छोड़ा था स्टार्टिंग, ये दोनों आउटपुट अपने सप्लाई के लिए कनेक्शन निकल जाएंगे दोस्तों। ये देखो इस प्रकार से दोस्तों डेल्टा कनेक्शन होते हैं। तो इनको सबको मैं एक बार कनेक्शन सोल्डिंग और स्लिप लगा के आपको बताता हूँ, देखो किस प्रकार से क्या होता है, और आगे कनेक्शन बताऊँगा दोस्तों क्लच में आपके कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं, क्योंकि ये मोटर क्लच से स्टार्ट होती है। स्टार्टिंग का कंडेंसर अलग होता है, रनिंग का इसमें दो अलग होते हैं, एक स्टार्टिंग एक रनिंग के दो कैपेसिटर होते हैं दोस्तों इसमें, तो मैं बता रहा हूँ आपको आगे। ये देखो दोस्तों जो इनर वाली थी, अंदर से जो आ रही थी लेफ्ट साइड की कोयले, ये कनेक्शन इनको मैं सोल्डिंग कर दिया हूँ, वो स्लिप लगा दिया, ये यहीं हो जाएगा पैक। जस्ट इसके सामने दूसरे वाला सेट में भी देखो इसी प्रकार से कर दिया मैंने, ये हो गई। अब मेरे पास बच रहे हैं अपने पास ये बाहर के जो निकलेंगे मेन आमने सामने के कोयलों के, ये देखो इनको मैं बाहर निकालूंगा दोनों को एक जगह करके जॉइंट, ये देखो दोस्तों। दोस्तों इसमें आप चाहो तो लीड लगा सकते हो वायर की, और चाहो तो इनको डायरेक्टली बाहर तक लगा निकाल सकते हो। इसमें अच्छी तरह दो या तीन स्लिप लगा दो, तो इससे क्या बेनिफिट होता है, लीड लगाते हैं तो कोई कई बार स्पार्क करके जल जाती है, अगर डायरेक्ट तार बाहर निकालते हैं कनेक्शनों के लिए तो ये कहीं स्पार्क नहीं होगा, शॉर्ट नहीं होगी, गर्म नहीं होंगे, लीड गर्म हो के भी मोटर जल जाती है कई बार। तो मैं तो क्या हमेशा जो ओरिजिनल वायर होते हैं ये इनको ही बाहर निकाल लेता हूँ लीड के रूप में, बीच में वायर की लीड नहीं लगाता हूँ, तो ये शॉर्ट नहीं होते हैं, कभी भी गर्मा के हीट नहीं खाएंगे। दोस्तों मैंने देखो चारों लीड निकाल दी है, एक ये और एक ये तो हो गई अपने स्टार्टिंग की कोयलों की दो कनेक्शन लीड, और ये दो हो गए अपने मेन सप्लाई की रनिंग वाली की आ गई दोस्तों। ये देखो ये आमने सामने कोयलों से दिया था मैंने, एक इस कोयल से एक इस कोयल से ये निकल गया इसका एक कनेक्शन, और एक ये जो निकली है एक इस वाली से
और एक इसके जस्ट सामने ये वाली है, इससे इन दोनों से आमने सामने के डेल्टा कनेक्शन हो गए। अब ये दोनों मेन सप्लाई हो जाएंगे दोस्तों, इनको मैं बाहर निकाल दूंगा लीडों को और अच्छी तरह धागे से बांध दूंगा। ये स्लिप इसमें लग गई, ये स्टार्टिंग के कनेक्शन है दोस्तों, ये देखो, ये बाहर फिर कनेक्शन करेंगे। मैंने मेन वायर से कनेक्शन निकाल दिया, देखो दोस्तों आपको बता रहा था ना मैं, ये जो वाइंडिंग के वायर है उन्हीं से बाहर निकाल दिया, तो इससे क्या सोल्डिंग और अलग से जो जॉइंट करते हैं उससे स्पार करके ख़राब हो जाते हैं। ये कभी ख़राब नहीं होती है, मोटर जड़ जाती है लेकिन ख़राब नहीं होती दोस्तों। ये 2 से 2.5 HP की मोटर है लंबी वाली, ये देखो इसमें डेल्टा कनेक्शन किया है, ये देखो दोस्तों काफ़ी लंबी मोटर है, ये फिट करने के बाद में और भी लंबी हो जाती है। एक बात ध्यान और रखनी है दोस्तों आपको, डेल्टा कनेक्शन उन्हीं में होता है जिसमें पहले डेल्टा कनेक्शन होते हैं। तो आप कभी भी मोटर निकालते हो, काटते हो पुरानी वायरों को, उस टाइम आप देख लो इसमें सीरीज वाले कनेक्शन है या डेल्टा वाले। अगर पहले डेल्टा कनेक्शन है उसी में आप डेल्टा कनेक्शन करो, डेल्टा कनेक्शन भी उसी में होगा जो जैसे 18.5-19 नंबर वायर से वाइंडिंग होती है ना, 2 किलो से ऊपर वायरिंग लगते हैं कम से कम वायर तार, जो बारीक वायरें वायर आती है उसमें डेल्टा कनेक्शन नहीं होगा। तो ये ध्यान रखने की बात है दोस्तों, कहीं आप सभी में डेल्टा कनेक्शन कर दो तो हमेशा ध्यान रखो, मोटर निकालते टाइम चेक कर लो आप डेल्टा है, सीरीज है, पैरेलल है, कनेक्शन किस प्रकार के हैं। दोस्तों कनेक्शन कंप्लीट है, गए मैंने देखो धागे से बांध दिया अच्छी तरह, ये देखो चारों तरफ से ये बाहर वायर निकाल दिया मैंने कनेक्शनों के, ये दो तो है अपने स्टार्टिंग के और दो है रनिंग के मेन सप्लाई के। देखो दोस्तों इधर पीछे से मैंने अच्छी तरह वायरों को धागे से बांध दिया, देखो दोस्तों अब इसके अंदर फिट करेंगे दोस्तों, इसको किस प्रकार से फिटिंग करते हैं और क्लच के कनेक्शन किस प्रकार से करते हैं ये आगे आपको बताऊंगा वीडियो में दोस्तों। तो वीडियो में बने रहिए दोस्तों, वीडियो को लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। आज मोटर के क्लच के कनेक्शन करना बताऊंगा आपको मैं, ये 2, 3, 4 HP की जितनी भी मोटरें होती है जो 1440 RPM में होती है उनमें क्लच होता है, वो स्टार्टिंग का काम करता है, एक बार पुश करके बंद हो जाता है, आगे रेगुलर चलती रहती है। तो दोस्तों ये क्लच है, जैसे ये देखो ये पीछे के पल्लड़ में लगेगा अपने, इसमें 2 वायर निकाल लिया मैंने कनेक्शन में, देखो ये 2 वायर है, ये 2 वायर आ गया। अब मोटर की बताता हूँ आपको दोस्तों, ये 2 वायर है अपने पास स्टार्टिंग के कोयलों के हैं और ये 2 वायर दे दिया मैंने रनिंग के कोयलों के। इसमें दोस्तों कैपेसिटर भी 2 है, ये तो है अपने रनिंग के लिए काम करेगा 20 MFD के करीबन है, और ये 200-250 स्टार्टिंग का कंडेंसर कैपेसिटर है दोस्तों, ये देखो। अब करना क्या अपने को, देखो सबसे पहले ये आ गया अपने पास स्टार्टिंग का कनेक्शन आ गया, को जो कोयले स्टार्टिंग एक ये एक दो ये स्टार्टिंग की आ गई। अब मेरे पास है ये है रनिंग वाला कैपेसिटर, इसके साथ में इसको मैं यहाँ ज्वाइंट कर दूंगा दोस्तों, यह कर दिया मैंने, ये देखो ये ज्वाइंट कर दिया, ये तो हो गया रनिंग वाला कैपेसिटर, ये रनिंग वाला कैपेसिटर है, इसके ये वायर लगा दिया, और ये दो मेरे पास है एक ये एक दो ये क्लच के हैं दोस्तों, ये देखो। तो क्लच का एक मैं यहाँ लगा दूंगा, इसके साथ में यह कनेक्ट कर दूंगा दोस्तों, ये कनेक्ट हो गया यहाँ पे, तो इनको तो मैं करके या तो कनेक्शन कर दो, या तो आप प्लेट में या इस पे आप टेपिंग कर सकते हो, इनको पैक हो जाएगा दोस्तों, इससे आगे कोई दिक्कत नहीं लेना देना। अब इसके बाद में मेरे पास बच रहे हैं ये देखो, दो तो है ये स्टार्टिंग के कैपेसिटर के वायर है, ये दोनों स्टार्टिंग के कैपेसिटर वायर है, और एक है मेरे पास ये रनिंग के कैपेसिटर का वायर, ये हो गया। तो एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का दोनों को मैं दोस्तों एक जगह कर दिया यहाँ पे, ये कर दिया यहाँ पे, एक स्टार्टिंग का और एक रनिंग का दोनों को एक जगह कर दिया, एक रनिंग का मैंने यहाँ दे दिया इसके साथ में, एक रनिंग का स्टार्टिंग के साथ जोड़ दिया दोस्तों, ये कर दिया। अब जो ये दोनों लगाया हूँ मैं स्टार्टिंग और रनिंग का, इन दोनों को मैं मेन सप्लाई का जो वायर होता है अपने रनिंग वाले उसके साथ यह कनेक्ट कर दूँगा दोस्तों, ये कर दिया। देखो एक मेन सप्लाई अपने पास हो जाएगी यहाँ की,
ये सप्लाई हो गई, आउटपुट 220 वोल्ट वाली ये सप्लाई हो गई। अब एक क्लच बच रहा है अपने पास, देखो ये क्लच का बच गया मेरे पास एक। इस क्लच को क्या करना है, ये जो स्टार्टिंग का कैपेसिटर है उसके साथ कनेक्ट कर दूंगा। ये देखो एक क्लच के वायर को तो कर दिया स्टार्टिंग कैपेसिटर के साथ, और एक क्लच के कर दिया मैंने यहाँ पे, देखो ये स्टार्टिंग की रनिंग के साथ कोयल के पास में कर दिया। ये देखो तो ये दोनों हो गई। देखो दोस्तों ये क्लच में से आ रहा है एक एक और दो, ये दोनों आ गया। ये तो मैं दे दिया कैपेसिटर के पास में, और ये दे दिया रनिंग के साथ में। ठीक है दोस्तों, अब मेरे पास बच रहा है एक ये स्टार्टिंग का, ये देखो ये स्टार्टिंग का अपने कोयल का बच रहा है, इसको एक रनिंग कोयल के साथ में अटैच कर देंगे। ये देखो यह अटैच कर दिया इसको मैं, ये कनेक्शन हो गया अब अपने पास हो गया। ये तो एक मैं 220 सप्लाई का हो गया, एक 220 सप्लाई का ये हो गया दोस्तों। ये देखो अच्छी तरह समझ गए आप, यहाँ से कैपेसिटर से इसकी सप्लाई जाएगी। ये देखो यहाँ से कैपेसिटर की जाएगी, ये क्लच में इसमें आ जाएगी, इस क्लच के थ्रू होके कंडेंसर काम करना बंद कर देगा, उसके बाद में यहाँ से ये रनिंग में चल जाएगा। तो ये रनिंग वाला जो कैपेसिटर लगा रहे हैं वो तो रेगुलर रनिंग में काम करता रहेगा, स्टार्टिंग वाला एक क्लच का धक्का देके वही काम करना बंद हो जाता है, उससे क्या स्पीड का काम करता है, उठाने का काम करता है। दोस्तों इस प्रकार देखो, अब इसको आके मैं फिटिंग करके चला के आपको बताऊंगा। देखो कोयल को मोटर किस प्रकार से चलती है। देखो दोस्तों कंप्लीट कनेक्शन कर लिया मैंने, ये मेन दो सप्लाई की रह गई, एक ये आ गया एक ये आ गया, मेन पावर सप्लाई आ गया, मैं एक की यहाँ टेपिंग कर दिया हूँ। देखो इसको एक इसको टेपिंग कर दूंगा अभी, ये मेन कनेक्शन दे दिया। अब दोस्तों दो के चला के दिखाते हैं आपको, देखो देखो चलेगी मोटर, ये देखो दोस्तों चल गई, ये बंद हो गई, ये 1440 RPM में है मोटर। दोस्तों दोस्तों अपने वीडियो में कम लगती है स्टार्टिंग चलना, लेकिन काफ़ी स्पीड है इसकी। ये देखो दोस्तों, अगर दोस्तों ये जैसे मान लो अभी क्लॉकवाइज है, अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमती है तो आप इसके कनेक्शनों के लिए अदल बदल रखते हो। जो यहाँ कनेक्शन दिया हूँ मैं इसका, ये स्टार्टिंग वाले को इसको इसके साथ लगा दो, और ये कैपेसिटर और इनका लगाया हूँ क्लच का, इसको आप इसके साथ दे देते हो तो ये क्लॉकवाइज हो जाएगी। दोस्तों अदल बदल खाली एक को ही करना है और किसी को नहीं करना है। तो आई होप मेरा वीडियो बढ़िया पसंद आया होगा दोस्तों आपको, वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।